नमस्कार, ओंकार आवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने डोरंडा स्थित कुतुबुद्दीन रिसलदार बाबा के मजार पर चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने रिसलदार बाबा से दुआएं मांगी और कहा कि हम हर तरह से राजनीति की जंग के लिए तैयार हैं। हर साल बाबा को चादर पोशी करता आया हूँ, चाहे वह चुनाव का दिन हो या आम दिन, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे दक्षिणी उत्तरी कहीं पर भी हो, हम सिपाही हर जगह से राजनीतिक जंग के लिए तैयार रहते हैं, तैयार हैं। और आज बाबा के दरबार पे चादर पोसी के लिए आए हैं। हर साल यहाँ हम लोग अपना मत्था टेकने आते हैं, चाहे वो चुनाव हो ना हो, आम दिन हो, कई जगह ऐसा हमें मौका मिलता है। और निश्चित रूप से आज रांची के इस दरबार में, रसिलदार बाबा के इस दरबार में का इनका बहुत ही कुछ और है। और आज संयोग से चुनाव भी है और निश्चित रूप से हम अपनी उम्मीद के साथ इस दरबार में आए हैं कि ये जो सामने राजनीतिक जंग है वो जंग हम जीत पाए और इस राज के लोगों की सेवा कर पाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचारों को टिकट दिया है। सरयू हमेशा ही भ्रष्टाचार का विरोध करते आए हैं, हम सरयू राय के साथ हैं। मेरा व्यक्तिगत राय है जी, और मैं ये चाहूंगा कि अगर सरयू राय मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो ये भी एक साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और वो आकंठ से डूबे भ्रष्टाचारियों की एक जमात के साथ इस जंग में उतर रही है। तो आज हम सरयू राय के खिलाफ नहीं है, हम आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठने वाले के साथ हम खड़े हैं और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी जंग लड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे, अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के साथ लोगों को होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। अब बात माले प्रत्याशी राजकुमार यादव की। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण मतदान को लेकर 16 नवंबर से 25 नवंबर तक जारी नामांकन के तीसरे दिन सोमवार को धनवार के निवर्तमान विधायक सह भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जनता का जन सैलाब देख विपक्षी घबरा गए हैं और मेरे सामने कोई नहीं है। पिछली बार के चुनाव से भी ज्यादा मत से इस बार जनता उन्हें विजयी बनाएगी। जो विकास के कार्य अधूरे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब बात कृषि मंत्री की। कृषि मंत्री एवं सारण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह ने बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर भोले बाबा से जीत की कामना की। कृषि मंत्री ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से ही पिछली बार वो विधायक बने थे और इस बार भी भोले बाबा की कृपा से ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता उन्हें दोबारा चुनकर विधायक बनाएगी। वहीं बेरमो के जैना फुटबॉल मैदान में कांग्रेस की यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह के नामांकन के उपरांत चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर झारखंड प्रदेश के चुनाव प्रभारी कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने जनता को संबोधित किया और सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने में जनता सहयोग करे। बहनों का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के मंत्री कहते हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार हमको नहीं मिली। एक ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है जिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप है। एक ऐसा प्रत्याशी है बगल के आपके जिसपे संगीन जुर्म लगे हुए हैं। आपके बगल का एक ऐसा प्रत्याशी है जो अपनी अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी समझती है इस तरह लोगों को भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास जी का घमंड है। कैसे तो लोगों को टिकट दे देंगे, जनता मजबूर होकर उनको वोट देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है सिर्फ बैरनों की नहीं, झारखंड की जनता रघुवर दास की सरकार को सबक सिखाने का काम इस बार अवश्य करेंगे।
यही रघुवर दास जी ने वादा किया था पिछले इलेक्शन में, अगर 17 तक 2018 तक 24 घंटे बिजली नहीं दूंगा तो आपसे वोट ही मांगने नहीं आऊंगा। वोट वा मांगा था ना बाबू, आपकी ना मिली, नहीं मिली ना बाबू, अब तो पूर्वांचल के बाद ही तो भोजपुरी कुछ हम भी बतिया सके। अब बात आजसू प्रत्याशी की। आजसू प्रत्याशी राम दुर्लभ सिंह मुंडा ने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ताओं के साथ झंडा बैनर लेकर बुंडू अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। आजसू कार्यकर्ता नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैरिकेटिंग के बाहर आजसू पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। अनुमंडलीय कार्यालय के बाहर जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। तमाड़ विधानसभा हम लोग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोग जोतकोड़ किए हैं करीबन 10 साल से। ये खेत आसू पार्टी का ही है, आसू पार्टी का ही रहेगा। जन मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर जाऊंगा और तमाड़ विधानसभा में वर्षों के बाद विधानसभा नेताभीन हुआ है, इस निमित्त आबुआ दिसम आबुआ राज की गठन के निमित्त हम चुनाव में जाएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित नया परिसदन भवन में सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई। बैठक में निकटवर्ती जिले बिहार के भागलपुर कटिहार, साथ ही बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद और झारखंड के गोड्डा एवं पाकुड़ क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ सीमावर्ती चेक नाका एवं अपराधियों पर लगाम लगाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में साहिबगंज एसपी अमन कुमार, निकटवर्ती जिले के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर इंटर स्टेट हम और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था, जिसमें जो हमारे निकटवर्ती के जिले हैं बिहार के भागलपुर एवं कटिहार, साथ ही साथ बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद और झारखंड के गोड्डा पाकुड़, वहाँ के SDOs, SDPOs आए थे, उनका रिप्रेजेंटेशन रहा था। हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की कि किस तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। अब बात जागरूकता अभियान की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की आम जनता है। ये आम जनता ही है जो किसी को भी गद्दी पर बिठा सकती है और किसी को भी गद्दी से हटा सकती है। मतदान को लेकर रांची के युवा क्या सोचते हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज ने। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वह है आम जनता। आम जनता ही यह निश्चय करती है कि आने वाले जो भारत का लोकतंत्र है उसका भविष्य कैसा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसी लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को वोट के प्रति उन लोगों को जागरूक कर सकें। तो भारत युवाओं का देश भी कहा जाता है, तो आइए इन्हीं युवाओं से जानते हैं कि उनका मतदान को लेकर क्या सोच है। संतुष्ट तो कार्यक्रम तो सरकार की चलाने का काम है, लेकिन वो चुनाव से पहले ना चलाए। चुनाव जैसे कि 6 महीना पहले पता रहता है कि इस राज्य में चुनाव होगा, तो हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि वो स्कूल स्कूल पे जाए या पूरे कॉलेज को टारगेट करे। अब बस कॉलेज के आगे जाके पोस्टर लगाना, बैनर लगाना वो नहीं होता, अब हाईटेक हो गया है, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर में जाते हैं लेकिन उस पैमाने पर प्रचार नहीं हो पाता। और ये जो सबसे ज़्यादा शहर में खाली लोग युवा दिखते हैं, वोट देना है, लेकिन पिछले जो आप लोग का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देखा कि सबसे कम तो रांची की वोटिंग हुई थी। मतलब क्या हुआ, शहर के लोग वोट देने नहीं आए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां है, युवा की भी कमियां है और संसाधन, मतलब जो संसाधन होता है। मतदान के प्रति जागरूक होना केवल यह नहीं होता है कि 100% लोग मतदान कर दें, यह भी आवश्यक होता है कि जो मतदान कर रहे हैं वे सही उम्मीदवार का चयन करें। और इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग कुछ मापदंड तय करे जिसके अंतर्गत अपनी अपनी बातें सभी उम्मीदवार बताएं। पैमाने बदल दिए जाएं तो परिणाम आसानी से बदल जाता है। और वर्तमान जो लोकतांत्रिक पद्धति हमारे यहाँ है, लोकतंत्र की अलग अलग पद्धति होती है। कुछ देशों में संसदीय लोकतंत्र होता है, कुछ देशों में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। और ऐसे में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को देखते हुए यहाँ पर संघीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई है उसे सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि हम धनबल और बाहुबल के प्रयोग को न्यूनतम करने के लिए कुछ इस प्रकार की संरचनाएं विकसित करें
जिससे कि चुनाव प्रचार की व्यवस्था में लोग कहीं ना कहीं एक मर्यादित नियंत्रण में रहें और अनुचित तरीकों का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम हो जाए। मतदान के लिए जागरूक हो, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये मतदान हम लोगों के लिए कुछ काम होता नहीं है इसलिए क्या जाना, इग्नोर करते हैं लोग। इग्नोर नहीं करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो वोट तो वेस्ट ही हो जा रहा है। अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो समझिए ऐसा कि जिसे हम लोग नहीं चाह रहे हैं हो सकता है वो जीत जाए और हम लोग उससे खुश भी ना हो। अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसके लिए हम लोगों को वोट देने के लिए आना होगा। सब चाहता है कि हम वोट दें, एक वोट से भी आदमी हार सकता है, एक वोट से भी जीत सकता है, लेकिन ये हर आदमी नहीं सोचता है कि हम जीते या हारे। हर आदमी को देना चाहिए वोट, जागरूक होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जितना भी मेरा परिवार या फिर आसपास जितना भी हो सबको बोलेंगे वोट दे जाओ, वोट देना ही अपना कर्म है। जैसा कि आपने सुना कि युवाओं की क्या आवाज़ थी, लोग घर से निकल रहे हैं और ये जो युवा है ये कहते हैं कि हम लोग भी लोगों को प्रोत्साहन करेंगे कि लोग घर से निकलें और जो अपना बहुमूल्य वोट है वो दें और जो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा पर्व है चुनाव उसमें ये हिस्सा लेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विशाल भारद्वाज, ओंकार अवामी के लिए। रांची के प्रसिद्ध रानी सती मंदिर में 4 दिवसीय मंगसीर वदी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में 4 दिनों तक जल संचय, गणेश पूजन एवं ध्वज पूजन, हवन, भव्य शोभा यात्रा, अखंड ज्योत, मंगला पाठ, सुंदर कांड भजन, संकीर्तन, अष्टमी जागरण, मंगला आरती, भव्य श्रृंगार, पूजा अर्चना एवं छप्पन भोग, नौमी कीर्तन इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को समापन आरती के साथ यह महोत्सव पूर्ण हो जाएगा। मंदिर के ट्रस्टी रतन कुमार जालान ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा का अनुसरण करते हुए दादी रानी सती का विवाह उत्सव नवमी के दिन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दादी रानी सती अखंड सौभाग्यवती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह रानी सती दादी का जन्मोत्सव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दादी का विवाह बीते को गुरुवार को मनाएंगे, उसके पहले हम लोग पूरा मंदिर का पूजन व्यवस्था, हवन सब व्यवस्था करने के बाद में, हवन पूरा हो जाने के बाद फिर दादी का विवाह बीते को नौमी होता है, नौमी के दिन विवाह मनाया जाएगा। यह वर्षों से इसी काल चलते आता है। दादी रानी सती मंदिर का जन्म स्थान झुंझुनू है और उसका दूसरा स्थान रांची है। दादी श्री रानी सती दादी मंदिर माने इतनी इनकी मान्यता है राजस्थान में कि कोई भी कार्य कोई भी किसी का बोलने से उसका पूर्ण होता है। इसकी बहुत अखंड माने सौभाग्यवती है दादी, इसलिए इसका हम लोग विवाह तो बरसों से इसी तरह मनाते हैं। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे यादव महासभा की। झारखंड में चुनाव की गहमा गहमी के बीच अब स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगने लगा है। इसी कड़ी में राजद के स्टार प्रचारक अनिल यादव रांची पहुंचे, जिन्होंने यादव महासभा में भी भाग लिया, साथ ही साथ राजद के लिए वे प्रचार प्रसार भी करेंगे। अनिल यादव से बात की हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हमारे साथ इस वक्त युवा राजद और युवा यादव दोनों के प्रदेश अध्यक्ष आनंद यादव जी हैं, उनसे जानेंगे। अनिल यादव जी हैं, उनसे जानेंगे कि अनिल जी, सबसे पहले तो आपको स्टार प्रचारक बनाए जाने पर शुभकामनाएं राजद की ओर से, आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है और आज रेजांगला दिवस, शहीदों के नाम पर जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रेस क्लब में आप कार्यक्रम आयोजित किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम पर? देखिए, आज 18 नवंबर एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो 1962 में जब चीन से लड़ाई छिड़ी थी तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट में हमारे 113 जो यादव सैनिक थे वो अपना बलिदान दे करके और भारत का तिरंगा उन्होंने लहराया था और आज उन्हीं के लिए आज हम लोग ये श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए हैं। ये अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा के द्वारा ये पूरे देश में आज श्रद्धांजलि देने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार से हमारी मांग एक और होगी कि आज का दिन जो 18 नवंबर होता है इस दिन गजटेड छुट्टी दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक हम लोग का एक लड़ाई रहा है और हम लोग जीत हासिल किए थे, तो ये रेजांगला दिवस के नाम पे
छुट्टी भी घोषित करने का हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से। हम चुनाव की बात करेंगे, आप राजद की ओर से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और महागठबंधन का क्या कुछ योगदान रहेगा क्या कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों को लेकर कहती है कि इन 5 सालों में पिछली सरकार से देश मजबूत हुआ है, सेना मजबूत हुआ है, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, चूंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का भी युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते पार्टी ने मुझ पे बहुत बड़ा एक दायित्व दिया है स्टार प्रचारक बना करके, और मैं पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए पूरा मैं कोशिश करूंगा जी। रही बात की जो 5 वर्षों की आपने कार्यविधि बताया राज्य सरकार का, तो ये जनता जवाब देगी इस बार। आप देख भी रहे होंगे कि उनके सहयोगी दल से लेकर के उनके पार्टी के कद्दावर नेता, कद्दावर चेहरे, सभी लोग उनसे रुष्ट हो चुके हैं, नाखुश हैं, सभी लोग भाग रहे हैं, जो हम लोग मैनिफेस्टो में जारी किए हैं, और वो हम लोग का पूरे महागठबंधन का इस बार बिल्कुल अलग सा दिखेगा आपको। ये काम हम लोग करने आए हैं, विकास करेंगे, झारखंड को हम लोग भाजपा सरकार जैसा विनाश के लिए नहीं आएंगे। तो साफ तौर पर से इनका कहना है कि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी, इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि भाजपा ने इन 5 सालों में दमन की नीति अपनाई है, विनाश की नीति अपनाई है, लोगों को छला गया है विकास के नाम पर। यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो वादे हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं यहाँ पे, जो भी घटनाएं यहाँ भी इन दिनों घटी थी, चाहे वो मॉब लिंचिंग की हो या कई सारे ऐसे घटना जो यहाँ पे घटी उनको लेकर, और आदिवासियों की जमीन के हक को लेकर, SC ST को जमीन के हक को लेकर, CPT एक्ट जो है उनको लेकर महागठबंधन हमेशा से लड़ती आ रही है, और इस बार के प्रदर्शन से अपने आप को महागठबंधन अपने आप को अच्छा प्रदर्शन झारखंड के चुनाव में देख रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये तो आगे आगामी विधानसभा चुनाव का वक्त ही बताएगा कि आखिर महागठबंधन में कितनी सीट और कितनी ज़्यादा सीटों पर इनकी जीत होती है और क्या प्रदर्शन होता है। ओंकार आवामी के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी नीतीश के साथ मैं कौशल कुमार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।